दोस्तों 7 साल की कब्ज सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में रिलीफ मिला। जी हाँ बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं दोस्तों, 7 साल की कब्ज सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में इन्होंने ठीक करके दिखाई। इनके अंदर भी जज्बा था। आप पिछली वीडियो हमारी देखेंगे तो उसमें भी मैंने यही बताया था कि जज्बा होना बहुत ज़रूरी है। कब्ज जिस व्यक्ति को है उस व्यक्ति के लिए हमने एक्सरसाइज बता रखी है, कुछ योगा बता रखी है। उन योगा को, उन एक्सरसाइज को करके आप अपनी कब्ज को बिल्कुल बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों मुझे बहुत सारे कमेंट भी आते हैं कि कब्ज को कैसे दूर किया जाए, तो आप भी ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। कब्ज को ख़त्म करने का, जड़ से ख़त्म करने का एक ही मात्र इलाज है और वो है दोस्तों योग। योग से, कुछ एक्सरसाइज से और कुछ आप डाइट प्लान से अपनी कब्ज को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि एक व्यक्ति 4 साल से परेशान था अपनी नाभि से, तो सिर्फ और सिर्फ 5 दिन में उन्होंने रिकवर किया। तो उनको कुछ एडवाइस दी थी, वो तो वहाँ पर उनको फॉलो कर ही रहे होंगे। साथ ही साथ मैं आपको एडवाइस देता हूँ, जितने भी मेरे कब्ज रोगी है, पुरानी से पुरानी कब्ज चल रही है, तो वो उनको एडवाइस देता हूँ कि सुबह वॉक पर ज़रूर जाए। सुबह का मतलब ये नहीं होता कि आप अगर 9 बजे उठ रहे हैं तो आपका 9 बजे सुबह हो गई, आप 10 बजे उठ रहे तो आपकी 10 बजे सुबह हो गई, 7 बजे उठ रहे तो आपकी सुबह 7 बजे हो गई। सुबह का मतलब ये होता है कि सूर्य उगने से आधे घंटे पहले आप पार्क में या फिर बाहर खुली जगह में आप अपनी योगा स्थान पर मिले, वहाँ पर आप अपनी योगा स्टार्ट करें। मतलब कि अगर 5 बजे गर्मियों का टाइम है तो आप 4:30 बजे अपना बिस्तरा छोड़ दीजिए, और अगर ठंड का टाइम है तो आप 5:30 और 6 बजे भी इस टाइम को बढ़ा सकते हैं। कब्ज को ठीक करने के लिए आपका कोई भी ऐसा नुस्खा नहीं काम आता जब तक आप अपने आप को मेंटेन नहीं रखेंगे। आपको मेंटेन रखने के लिए डाइट को फॉलो करना होगा। अगर आप जंक फूड पर ज़्यादा फोकस करते हैं तो वो आपकी डाइट को फोकस नहीं माना जाता, और क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति कोई ना कोई गलती कर ही देता है। हालांकि मैंने बहुत बार मना किया है कि चीनी का सेवन ना करें, चीनी की जगह आप मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक का इस्तेमाल ना करें, जो नॉर्मल नमक आपको मार्केट में मिलता है उसका इस्तेमाल ना करने की बजाय आप सेंधे नमक का इस्तेमाल करें। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने बताई हुई है, आप हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और कब्ज को ख़त्म करने के लिए बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई है और कुछ एक्सरसाइज बता रखी है, बहुत सारी एक्सरसाइज बता रखी है, और पुरानी नाभि के लिए भी बता रखी है जिनकी ऊपर की तरफ चढ़ जाती है, IBS के लिए भी बता रखी है। उन सारी वीडियोस का लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और व्यक्ति को जज्बा होना बहुत ज़रूरी है और पॉजिटिव सोचना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आप पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, आप अगर यही सोचते रहेंगे कि अब तो उम्र हो चुकी है, मैं 30 साल का हो चुका हूँ या 35 साल का हो चुका हूँ या 40 साल का हो चुका हूँ, अब मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा, आप ठीक हो पाएंगे 40 साल तो क्या, आप 50 साल के भी हैं तो आप ठीक हो पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर जज्बा होना चाहिए ठीक होने का। आशा करता हूँ दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उस व्यक्ति के साथ शेयर ज़रूर करें जिन व्यक्तियों को अक्सर कब्ज की प्रॉब्लम बनी रहती है। और एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगती है, और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करते ज़रूर जाना। और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ, आपका दिन शुभ हो।